बंदों के चक्कर में। क्या बोला तूने? सो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं आज कहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में पता चलेगा, मैं पहले बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको कि मैं जा कहा रही हूँ आखिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, अपनी हरकतें। मैं अभी कुछ ट्राई कर रही थी टॉप, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो आई हैव टू चेंज। मेरे को कभी भी कपड़े नहीं मिलते। फिर मैंने इसके चक्कर में अभी इतना बड़ा मैस कर दिया। अब तुम लोग बोलो कि अब मैं इस मैस को ठीक करूं कि मैं जाऊं। ये मुझे कपड़े मिलते क्यों नहीं? तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने चश्मों के साथ, क्योंकि इन चश्मों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। या तो गाइज मैं अभी घर से निकल ही चुकी हूँ, देख ही सकते हो, फिर से वो गली में वापस आ गई हूँ मैं, स्ट्रगल करते हुए सीढ़ियों में। हम मोक्ष जा रहे हैं। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। हम शूलिन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है मोक्ष, वो इंटरकल्चरल एक्टिविटीज कॉलेज की होती है, तो वही सब होगा उसमें। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस वक्त, रोज़ की तरह मुझे चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हूँ नकली पहाड़ी इसलिए। हाँ, और लास्ट टाइम मैंने वीडियो शूट की थी एक, वो पोर्ट्रेट मोड में, मुझे भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब के लिए लैंडस्केप मोड में ज़्यादातर वीडियो शूट करते हैं, और मैं शूट कर बैठी पोर्ट्रेट मोड में, और सारी वीडियो वो ख़राब हो गई है। मेरे को फिर से वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा उस प्लेस पे, और फिर से शूट करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो बाहर का मौसम, मौसम बड़ा सुहाना है, पर यहाँ पर बहुत सर्दी है, मैं परेशान हो गई हूँ। तो ये यहाँ पर पहुँच चुकी है, इस बंदे ने बाल काट दिए। आप लाल क्यों हो गए? आपका भूला। बस फिर से मैं यहाँ पे सड़क पे खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास ना गाड़ी है, ना बाइक, ना स्कूटी है, हम गरीब हैं। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो गाड़ी भी ले लेंगे। हमारी धन्नो धन्नो आ चुकी है, तो अभी तो बस में बैठे हैं, मिल गए हमारे को। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है बाहर, बारिश लगी है, बारिश में हम जा रहे हैं। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने, तो पहले ना मैं यहाँ पे बहुत आया करती थी बंदों के चक्कर में। क्या बोला तूने? बंदों के चक्कर में। तो गाइस हुआ यूं था कि आई वाज जस्ट जोकिंग। तो बड़ा हरामी हो बेटा, दूर है, बहुत दूर है ना, सिर्फ 2 किलोमीटर। यहाँ से वेट चल जाएंगे, क्या होगा? तो अभी हम तो पैदल ही, हम भूल गए थे बस में बैठना, और हमने बस छोड़ दिया। हमारे को पता चला है कि यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे पैदल जाना पड़ेगा, पर ठीक है, कुछ टाइम बाद अभी बस आ जाएगी तो तब तक यार चल पड़ते हैं पैदल थोड़ा सा। चल भैया, हमको नेगेटिव में नहीं जाना भैया। ये देखो भैया, भैया तो, भैया तो अलग ही, अलग ही ठंड में पहुंचे हुए, गर्मी गर्मी लग रही है भैया। 1 2 3 सुदर्शना ठाकुर जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये देखिए आपका पीजी। तो हम लोग जो चतरे बने थे ना, ये हीरोइन बनी थी ना जो अभी, मेरे को नहीं लग रही है यार। तो अब तो ये इलाका बड़ा ही अच्छा है, मौसम बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ता हुआ, और सीन संगीन है, छाता रंगीन है। घूम रही थी पागल है, उसे क्या करना, पछुआई तो था मेरे पैर। यहाँ पे बहुत अच्छी फोटो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे शूलिनी यूनिवर्सिटी, और हम स्टार्टिंग का व्लॉग शूट करना भूल गए थे, क्योंकि नए नए व्लॉगर बने इसलिए। तो फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, पहाड़ी नाटी का कॉम्पिटिशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी टीम्स आई थी।
तो जब भी नाटी आती है और हिमाचली लोग डांस ना करें, ऐसा हो सकता है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे को बहुत भूख लगी थी। बाहर से दिखाऊंगी कौन सी जगह है ये। What will we are going to eat? यार हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम बहुत देर से बैठे थे और मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। घर से कम कम खाना ही खा के आए थे हम शायद, है ना? मेरी शादी में तो भूख लगी। हाँ मेरे को भी बहुत ही ज्यादा हम कुछ खाने हैं बैठे हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। ये बंदी जा नहीं रही है, ये मेरे को बोल रही है छोटी होते हुए, इसको शर्म ना आए। उठ जा, उठ भाई। देखो ये बहुत ढीठ है यार, बहुत ज्यादा ढीठ है, इसको तमीज ही नहीं है, बदतमीज होता है ना ये। देखो इन्हें अंत में खुद ही जाना पड़ा, मैं बिल्कुल भी नहीं हिली। फाइनली हमारा भूख में सब कुछ अच्छा लगता है, भूख में सब कुछ होता है, पर अच्छी फीलिंग है। ये देखो मोमोज तोड़ के रखे हुए पहले गरम है यार। चुल यूनिवर्सिटी के थिएटर में पहुंचे जहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, तो अंदर जाने की तो हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर से ही थोड़ा सा देख के फिर निकल जाए, क्योंकि हम बहुत खुद भी बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। देखिए इन्हें कहाँ से आते हैं ये लोग। तो गाइस हम आ चुके हैं फिर से खाने, क्योंकि हम लोगों को फिर से भूख लगी थी थोड़ी देर। हमारा पेट कभी भरता नहीं। जब आप बहुत थक जाते हो तो क्या करते हो? हम तो कॉफी पीते हैं, वैसे हम कॉफी नहीं पीते। आज ड्रामा कर रहे थे ब्लॉग के लिए, तो थोड़ा महसूस होता है खाने को ना, बाकी तो ठीक है। छोटा बाइट मारना है, कैमरा कॉन्शियस हो गया। दिखाओ तेरी वीडियो, दिखाओ तेरी वीडियो लोगों को। मैं बहुत थक गई और आप मुझे पॉपुलर मत कर। मैं गाइस प्लीज हो सके उधर दे, ऐसे लग रहा है किसी घास काटने वाली को बिठा। गजब बेइज्जती है, बनने वाला है तेरे ऊपर मां की सबसे ऐसी एडिटिंग करूंगी यार। ये क्या, ये पता कौन सा गाना डालेंगे अभी? दरियाई गेंदा जितना मर्जी खाओ भूखा ही नहीं।
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की इस औरत ने जरूर सुननी बोल सारी प्राइवेसी हैक कर दी हमारी अगर इस बंदी के जूड़ा बनाया जाए और ये दो स्टिक लगाइए भाई पी मैं देखो इतनी खज्जल हो चुकी हूँ जिसने पी लिया ना कॉफी दोबारा इसको पीनी चली थी मेरा वाला हरे एक मिनट इस कॉफी के कप को तो देखो पहले यार वी आर गोइंग बैक इट वाज अ नाइस डे और बहुत मजा आया हमें आप लोगों से नए एक ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं फिर से डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो शेयर माय वीडियो तेरे में मेरे में डिफरेंस 8 है तू करता एडिशन में करू डिफरेंशिएट है HP 10 नहीं हिमाचल अपना स्टेट है रेट है भाई का क्योंकि उगता यहां सेब है।